हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव पाठक JSITI से। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर मैथ का टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम, आपको बताएंगे इसके बारे में नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नंबर सिस्टम एक पद्धति है किसी भी नंबर को निरूपित करने का या डिनोट करने का। नंबर सिस्टम को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर। संख्या पद्धति वह पद्धति है जिसमें हम किसी भी नंबर को निरूपित कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। जैसे उसको कई आधार पर व्यक्त किया जा सकता है, आधार 2, आधार 8, आधार 10, आधार 16। तो नंबर सिस्टम को आगे चार भागों में बांटा गया है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो चारों नंबर सिस्टम है इनके आधार अलग अलग है, किसी का बेस 2 है, किसी का बेस 8 है, किसी का बेस 10 है, किसी का बेस 16 है। तो पहले हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम दो नंबर का प्रयोग करते हैं, 0 और 1। 0 1 या बाइनरी नंबर सिस्टम हम कंप्यूटर में इनपुट के रूप में देते हैं। तो जो कंप्यूटर को इनपुट के रूप में नंबर सिस्टम दिया जाता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जिसको हम 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। 0 1 और इसका जो बेस होगा, आधार होगा, वह 2 होगा। ऐसे ही ऑक्टल सिस्टम जो होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें हम 0 से लेकर 7 तक नंबर का प्रयोग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। और जो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है वह 8 होता है। जैसे नाम से पता चला है ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो ऑक्टल नंबर जितने भी नंबर होंगे उसका बेस क्या होगा, 8 होगा। बाइनरी का ऐसे बेस 2 होगा। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल का मतलब होता है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 नंबर का प्रयोग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसका जो बेस होगा वह 10 होगा। तो ऐसा नंबर जिसका बेस 10 हो उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। और लास्ट चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्सा का मतलब होता है 16। तो ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जिसका आधार 16 हो उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर कहेंगे। और इसमें जो हम नंबर प्रयोग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E, तो कितना नंबर हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर हो गया। और जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसका जो बेस होगा या 16 होता है। कोई भी संख्या हो, जैसे हमारे पास एक संख्या हो गई 21B, और इसका बेस अगर 16 हम लगाते हैं तो बोलेंगे यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। कोई नंबर हमारे पास 1 2, इसका बेस 10 हो गया, तो इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई नंबर है उसका बेस हो गया 8, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टल नंबर है। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक या नंबर सिस्टम के टाइप्स के बारे में जाने थे। अभी हम आपको बताएंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर, या हम लोग कह सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे पास टोटल 16 नंबर थे, जो 0 से लेकर 9 तक यह था, फिर ए बी सी डी ई एफ तक था यहाँ पर। तो जो 0 से लेकर 9 तक है, अगर डेसिमल में देखा जाए तो 0 to 9 के बराबर होगा। और हेक्साडेसिमल में ए को हम 10 दिखाते हैं, बी को 11 दिखाते हैं, सी को 12 दिखाते हैं, डी को 13 दिखाते हैं, ई को 14 दिखाते हैं और एफ को 15 दिखाते हैं। तो कहीं भी अगर हेक्साडेसिमल नंबर में एफ लिखा होगा तो उसको हम 15 पढ़ेंगे, ए लिखा होगा तो 10 पढ़ेंगे, बी लिखा होगा तो 11 पढ़ेंगे, सी लिखा होगा तो 12 पढ़ेंगे, डी लिखा होगा 13 पढ़ेंगे और ई लिखा होगा तो 14 पढ़ेंगे। बाकी इसके बाद वाले वीडियो में हम कन्वर्जन आपको बताएंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है, या ऑक्टल टू बाइनरी कैसे होता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे होता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे वीडियो से संबंधित अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।